दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटे को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले खबर पता चले। हेलो दोस्तों, मैं अमीर और आपके मिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी साउथ अफ्रीका के साथ बांग्लादेश का ओडीआई सीरीज चल रहा है और दोस्तों 3 ODI में से 2 ODI साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है और 120 पॉइंट के साथ ODI रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुँच गया है। और दोस्तों सेकेंड ओडीआई में तो एबी ने तो कमाल ही कर दिया, 104 बॉल में 176 रन किया और क्या पारी था, देखकर मज़ा आ गया। हाँ तो दोस्तों अभी ODI रैंकिंग में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर इंडिया। हालांकि इंडिया का भी पॉइंट है 120, लेकिन कुछ दशमिक पॉइंट से साउथ अफ्रीका इंडिया से थोड़ा आगे है। और अभी साउथ अफ्रीका के पास एक और ODI बचा है और इंडिया के पास 3 ODI है न्यूजीलैंड के विरुद्ध। तो दोस्तों क्या क्या होने से इंडिया नंबर 1 तक पहुंच सकता है और साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर, तो मैं आपको इस वीडियो में उस बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों अभी सिचुएशन कैसा है मैं आपको पहले बता देता हूं। तो दोस्तों अभी साउथ अफ्रीका के पास एक वनडे बचा है और अगले 3 महीने तक साउथ अफ्रीका के पास एक भी ODI मैच नहीं है। 3 महीने के बाद इंडिया के साथ जब इंडिया साउथ अफ्रीका दौरा करेगा तब फिर से ODI खेलेगा साउथ अफ्रीका। और इंडिया के पास अभी 3 ODI है न्यूजीलैंड के विरुद्ध। तो दोस्तों अगर इंडिया ये तीन ODI में तीन ही जीत जाता है तो दोस्तों इंडिया का 122 पॉइंट हो जाएगा और एक नंबर पर चला जाएगा। और अगर इंडिया एक मैच भी हारता है और साउथ अफ्रीका लास्ट मैच यानी कि आज जो मैच होने वाला है वो जीत जाता है तो दोस्तों साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर ही रहेगा और इंडिया दूसरे नंबर पर ही रहेगा। दोस्तों इसका कारण यह है कि अगर इंडिया एक भी मैच हार जाता है तो दोस्तों इंडिया का 2 पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड ODI रैंकिंग में 5 नंबर पर है, इसीलिए 2 पॉइंट कम हो जाएगा और 118 पॉइंट हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका लास्ट मैच जीत जाता है बांग्लादेश के विरुद्ध आज, तो साउथ अफ्रीका का 121 पॉइंट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही नीचे है रैंकिंग में, इसीलिए एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा और एक पॉइंट जोड़ा जाएगा और 121 पॉइंट हो जाएगा और साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर ही रहेगा। तो दोस्तों फाइनल बात यह है कि अगर इंडिया को पहले नंबर पर जाना है तो दोस्तों 3 ODI ही जीतना होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अगर साउथ अफ्रीका को पहले नंबर पर ही रहना है तो दोस्तों लास्ट ODI जो आज होने वाला है बांग्लादेश के खिलाफ वो जीतना होगा। और अगर इंडिया एक मैच हारता है तो तभी साउथ अफ्रीका एक नंबर पर रहेगा। तो दोस्तों ये था सिचुएशन कि इंडिया कैसे नंबर 1 पर जा सकता है ODI रैंकिंग में। और दोस्तों अगर इंडिया यहाँ पर फेल होता है तो दोस्तों इंडिया के पास एक और मौका होगा नवंबर में, जब श्रीलंका इंडिया दौरा करेगा उस सीरीज में इंडिया के पास एक मौका होगा। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका को फिर से 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा, जब इंडिया साउथ अफ्रीका दौरा करेगा तब साउथ अफ्रीका को फिर से मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आपको श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का जो सीरीज होने वाला है उसके बारे में जानना है तो दोस्तों उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था और दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप अगर देखना चाहते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर लिंक क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और दोस्तों आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का ही चैनल है MEC यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे और इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहे। अभी के लिए अलविदा।